मुख्य समाधि होती है, समाधि पूर्वक जो मरण होता है उसका नाम समाधि। अभी तक आपने एक ही शब्द सुना है, समाधि हो गई। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई बोले समाधि हो गई, वो समाधि नहीं है, वो मरण है। समझ गए? समाधि नहीं है, मरण। समधि नहीं जानते क्या? बेटे की शादी जिस बिटिया से हुई है, समधि का मतलब होता है समान। समधि धी बेटी, धी बेटी कहते हैं ना, धी बेटी। सम सम मैंने समान परिवार में अपनी बेटी और बेटे को दे देना, ले लेना, वो उसका नाम समधि। ऐसे नहीं होता, ऐसा रहेगा तो हमेशा तकलीफ में रहेगा, ये बात है। और ऐसे बैलेंस बनेगा तो कभी तकलीफ ही नहीं। चलो प्याजे रहोगे भावों में तो समझी बन जाओगी, अब यहाँ पे कह रहे हैं बेटे की शादी जिसकी बिटिया से हुई वो समझी। अपने बेटे का तू बेटे जैसा देखता था तो बिटिया का पिता भी उसे बेटे जैसे देखने में लग गया। वास्तव में समधि वही है जो समधि की बिटिया को भी अपनी बिटिया की तरह देख रहा है। दहेज के लिए रो रहे हैं वो तो शत्रु। दोनों की समान धी यानी बुद्धि, जिसकी दो के प्रति समान बुद्धि हो गई तो तुम समधि हो गए। जिसकी प्राणी मात्र के लिए समान बुद्धि हो जाए वो साधु विश्व का समधि होता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कोई समधि है उसका नाम साधु पुरुष होता है। जिसको प्राणी मात्र के प्रति समान बुद्धि है समधि, ऐसे समधि पूर्वक जो जीवन जीकर मरण को प्राप्त होता है उसका नाम समाधि है। लोगों ने जीवन भर भोग भोगे, अंतिम समय आया तो बोले कि समाधि हो गई। ये मित्र अंतिम समय में भी समाधि हो सकती लेकिन समधि बनना पड़ेगा, समान बनना पड़ेगा। किसके समान? तीन लोग के नाथ के समान बनना पड़ेगा, समधि समधि बनना पड़ेगा। कह रहे